हेलो फ्रेंड्स, अभी कार हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो मैं अभिषेक कुमार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेटा का SX वेरिएंट ये है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी वेरिएंट के बारे में। तो इसमें आपको जो वेरिएंट आपको ऑफर किए जाते हैं वो EX और S और S प्लस और SX एक्सिक्यूटिव और SX और SX ऑप्शनल करके इसमें जो है आपको ऑफ़र किए जाते हैं इसके वेरिएंट्स जो आते हैं। ये गाड़ी जो है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में आपको ऑफ़र किए जाते हैं और ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में आपको ये गाड़ी मिल जाते हैं। तो जो भी आप अगर लेना चाहते हैं तो वो आप परचेस कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस की भी। तो इसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है वो 190 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको ऑफ़र किए जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी फ्रंट लुक की ओर और देखते हैं। तो फ्रंट लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको लुक वाइज देखने में लगती है, जो कि काफ़ी अच्छी इसकी लुक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले फ्रंट में जो है बीच में आपको हुंडई का लोगो आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो है उसका पूरा ग्रिल जो है आपको ग्रिल के साइड में जो है आपको क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। उसके नीचे जो है सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो है ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये। और थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पे छोड़ दी गई है क्योंकि इंजन में हवा जाने के लिए, क्योंकि इंजन गर्म होती है तो उसे हवा की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत ठंडी होने के लिए। तो ये सब से यहाँ पे जो है स्पेस आपको मिल जाता है। फ्रंट में जो है आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर हम हेडलाइट की बात करें तो इसका मज़ेदार हेडलाइट आप देख सकते हैं कि कितना इसमें जो है लुक वाइज आप देख लीजिए। यहाँ पे जो इसका हेडलाइट जो आपको ऑफर किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो है आपको DRL वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर ये जलेगा तो काफ़ी अच्छा इसका खूबसूरत जो है लुक बनता है। और इसका हेडलाइट जो आपको 3 पार्ट में आपको LED लाइट आपको देखने को मिल जाता है। और ऊपर में जो है आपको बोनट जो आपको दिख रहा है वो थोड़ी सी बिग बोनट आपको देखने को मिल जाती है और बोनट पे साफ कट वगैरह देखने को मिल जाता है। और इधर साइड जो है वाइपर आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की और साइड प्रोफाइल इसकी देखते हैं। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का लुक वाइज आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी अगर हम सबसे पहले साइड प्रोफाइल में टायर साइज़ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो है टायर साइज़ जो आपको ऑफ़र किए जाते हैं वो 17 इंच का इसमें आपको टायर साइज़ ऑफ़र किया गया है। 215x60x17 इंच इसमें आपको ऑफ़र कर दिए जाते हैं। इसमें जो है अलॉय व्हील भी आपको दे दिए जाते हैं, डिस्क ब्रेक के साथ ही आपको आती है SX वेरिएंट में, क्योंकि मैं अभी जो रिव्यू कर रहा हूँ वो गाड़ी जो है वो SX वेरिएंट है। तो इसमें जो है आपको डिस्क ब्रेक वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर में जो है ब्लैक फिनिश के साथ ये ग्लाइडिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी और नीचे में जो है ग्लाइडिंग के साथ साथ आपको सिल्वर फिनिश भी आपको देखने को मिल जाती है। इसकी अगर हम ORVM की बात कर लें तो ORVM जो पे जो है आपको टर्न इंडिकेटर का लाइट आपको देखने को मिल जाता है, लंबी सी आपको लाइट देखने को मिल जाती है जिससे जो कि लुक वाइज जो है काफ़ी अच्छी बनती है इसकी अगर ये जलती है तो। और यहाँ पर जो है ये सब जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी ये ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ये देखने को मिलेगा, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक बनता है इस गाड़ी का। और यहाँ पे जो है हैंडल पे क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा। और ये जो है विंडो वगैरह आप देख सकते हैं कि इसको इसकी विंडो जो है थोड़ी सी पीछे वाली छोटी है और आगे वाली बड़ी है। तो और पीछे के टायर की अगर हम बात कर ले तो पीछे का टायर जो है आपको अलॉयबल तो मिल जाता है, लेकिन इसमें जो है कोई भी आपको डिस्क ब्रेक वगैरह आपको नहीं दिए गए हैं SX वेरिएंट में। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की ओर। तो रियर प्रोफाइल का लुक जो है लुक वाइज कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त इसकी रियर प्रोफाइल की लुक है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे जो है लोगो आपको देखने को मिल जाता है हुंडई का और यहाँ पे जो है क्रेटा अलग अलग लेटर में आपको देखने को मिल जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो आपको मिलता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्रेटा के ऊपर लोगो के ऊपर यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। और वाइपर भी देखने को मिल जाता है SX वेरिएंट से ही। और ये रहा विनय हुंडई का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो आप यहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हैं इस नंबर पे जो है कॉल करके। अभी मैं लेकिन जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो विनय हुंडई बिहार शरीफ में ये अवेलेबल है, इसका मेन ब्रांच जो है बेगूसराय में है, तो वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर उस पर शो किया हुआ है। बाकी अगर बिहार शरीफ से आपको चाहिए तो मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शो कर दूँगा इस पर। और चलिए रियर प्रोफाइल की हम बात कर रहे थे तो वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है सिल्वर फिनिश के साथ ये सब देखने को मिलेगा। और इधर जो है आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक लाइट देखने को मिलेगा, उसके बगल में थोड़ी सी रिफ्लेक्टर आपको दे दी गई है। इसकी अगर हम लाइट की बात करें ब्लैक फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल ब्लैक फिनिश नहीं, यहाँ पे जो है ब्लैक पियानो फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। इससे लुक जो है अच्छी लगती है क्योंकि ब्लैक पियानो फिनिश जो है ना थोड़ी चमकती ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। और ये सब भी पार्ट में भी जो है थोड़ा सा ब्लैक पियानो फिनिश का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे भी ये जो है ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाता है।
ऊपर में जो है आपको साक्षी एंटीना देखने को मिलेगा और रूफ रील वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सिल्वर फिनिश के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। और इधर साइड भी थोड़ी सी सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। और इधर साइड अगर हम चले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SX वेरिएंट ये है, तो SX वेरिएंट की आपको बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं अब हम इसकी बूट की ओर। तो बूट ओपन करने के लिए आपको कीज़ में ऑप्शन मिल जाता है, तो सबसे पहले कीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो आपको कीज़ देखने को मिलेगा उसमें जो है आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, लॉक करने का, अनलॉक करने का, और यहाँ पे होल्ड करके अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे जो है आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो है बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए अब हम इसका बूट जो है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है आपको बूट ओपन करना होता है, यहाँ पे जो है एक बटन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम बूट को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है बूट ओपन करने के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि SX वेरिएंट में अभी आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, और इधर साइड जो है लाइट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो लुक वाइज आपको बूट जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाती है आपको। इसमें जो आपको स्पेस दिया गया है बूट स्पेस, इसका जो है 433 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है ट्रे वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप हटा भी सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको लाइट वगैरह दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बूट में भी लाइट आपको ऑफर कर दिए जाते हैं, और यहाँ पे जो है 60-40 का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपना बूट स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये सीट जो है आपका फोल्ड हो जाता है, तो आप यहाँ से जो है सीट अपना फोल्ड कर सकते हैं, और ये सीट भी आपका फोल्ड हो जाता है। तो अगर कम जगह की आपको ज़रूरत है तो 40 वाला आप जो है कम चौड़ाई वाला जो है आप बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं, और अगर जो आपको ज़्यादा चाहिए तो 60 वाला सीट जो है आप फोल्ड कर सकते हो, तो आपका जो है बूट स्पेस बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम इसके नीचे देख लेते हैं कि क्या आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। इसका स्पेयर व्हील जो है आपको एक साइज़ आपको कम देखने को मिलेगा। इसमें आपको और स्पेयर व्हील जो दिए जाते हैं वो 16 इंच का आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि स्टील व्हील में आपको दिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम इसकी इंटीरियर की ओर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, और ड्राइवर साइड जो डोर में आपको जो है इस तरीके का लुक आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूअल टोन कलर के साथ ये लुक आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है ये कलर पूरा जो है यहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, और ये कलर जो कम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा मुझे तो देखने में लग रहा है लुक वाइज। यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है, और पावर विंडो के कंट्रोल वगैरह और ORBM के कंट्रोल यहीं पे आपको दे दिए जाते हैं, और यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। नीचे में वाटर बॉटल होल्डर और स्पीकर देखने को मिल जाता है गेट में। और इसकी अगर हम सीट की बात कर ले तो इसमें जो है आपको एडजस्टेबल सीट आपको ऑफर किए गए हैं, और ये जो है अगर हम इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ये जो है आपको लेदर फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ से जो है आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए भी ऑप्शन दे दिया गया है। और इसकी थाई सपोर्ट वगैरह और बैक सपोर्ट वगैरह की अगर हम बात कर ले तो चौड़ा सीट है, तो इसमें ऑफकोर्स इसमें जो है आपको बैक सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और ये रहा प्रीमियम सी लुक के साथ ये जो है आपका इंटीरियर, जो कि ड्यूअल टोन कलर के साथ क्रेटा SX वेरिएंट का इंटीरियर है। आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में कि इसका इंटीरियर का लुक जो है किस तरीके का है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप का बटन आपको देखने को मिल जाता है। AC वेंट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ, और उसके बगल में जो है यहाँ पे हेडलाइट के जो कंट्रोल हाई बीम लो बीम करने के लिए ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। और ये रहा इसका स्टेयरिंग क्रेटा का, तो डी शेप में आपको स्टेयरिंग देखने को मिलेगा, बीच में हुंडई का लोगो, और यहाँ पे जो है आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह दे दिए गए हैं, और इधर साइड जो है आपको इंफोटेनमेंट का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ ये देखने को मिलेगा। इधर हेडलाइट के कंट्रोल दे दिए गए, इधर साइड जो है आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक वाइज आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। नॉर्मल आपको कांटा वगैरह देखने को मिलेगा, और बीच में जो है छोटी सी स्क्रीन आपको दे दी जाती है। और अंदर अगर हम चले तो अंदर में जो है अगर इसकी अगर हम डिस्प्ले की बात कर लें तो यहाँ पे जो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, बिग साइज आपको डिस्प्ले मिल जाता है, इंफोटेनमेंट के डिस्प्ले जो आपको दिए गए। तो इसे मैं ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका लुक वाइज कैसा इसका लुक है। तो ऑन करते ही आपको जो है हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। तब तक ये ऑन हो रहा है तब तक हम ऊपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है AC वेंट्स देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये सिल्वर फिनिश थोड़ी सी आपको उसमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो है ये जो आपको फिनिश देखने को मिल जाता है ये लेदर फिनिश आपको देखने को मिलेगा, और ये सब जो है आपको प्लास्टिक फिनिश देखने को मिल जाता है। इसके अगर हम ग्लोव बॉक्स की बात कर ले तो इसमें कोल्ड ग्लोव बॉक्स आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। तो ये रहा ग्लोव बॉक्स वगैरह, और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको दे दिए जाते हैं। तो उसके नीचे बगल में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC के कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और छोटी सी आपको जो है स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि सारा कुछ आपको जो है AC का कुछ कुछ टेम्परेचर वगैरह उसमें आपको शो करेगा। नीचे में जो है वायरलेस चार्जर का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन शायद इस वेरिएंट में है कि नहीं ये नहीं है मैं कंफर्म बता सकता हूँ,
लेकिन यहाँ पे जो है टॉप एरियंट में शायद आपको ये ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर वगैरह USB पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, और ये देख सकते हैं कि गियर के पास जो है आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगा, और कैमरा का व्यू भी यहाँ से आप कर सकते हैं तो वो आपको दिख जाएगा। टू कप फोल्डर वगैरह और आर्मरेस्ट में जो है विथ स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट वगैरह ऊपर की अगर हम बात कर ले तो ऊपर में जो है आपको IRBM देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो LED लाइट वगैरह आपको देखने को मिल जाती है इसके रूफ में, और सनग्लास होल्डर भी आपको मिल जाते हैं इस वेरिएंट से ही। और यहाँ पे विनेटे मिरर वगैरह देखने को मिल जाता है साइड में, और इधर साइड जो है आपको मिरर वगैरह नहीं देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में जो है आपको पैनारोमिक सनरूफ भी आपको ऑफर कर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी इसकी पैनारोमिक सनरूफ आपको देखने में लग रही होगी। चलिए मैं इसे ऑन करके इसका सनरूफ आपको दिखा ही देता हूँ कि किस तरह से ये ऑन होती है। तो मैं देखिए यहाँ से वन टच किया हूँ तो ये जो है सनरूफ का खुल रहा है धीरे धीरे। इसका सेट तो खुल चुका है पूरा, और यहाँ पे देख सकते हैं वन टच में ही आपका ग्लास भी जो है ओपन हो चुका है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो है काफ़ी सनरूफ तो दे देते हैं लेकिन जो वन टच में नहीं ओपन होता तो इसे दबाए रखना पड़ता है। अब देखते हैं इसमें कि वन टच में ये बंद होता है या नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं कि वन टच में किया हूँ और ये सनरूफ जो है अपने धीरे धीरे जो है बंद हो रहा है। और इसका सेट की अगर हम बात करें तो सेट भी जो है धीरे धीरे खुद ही आपका जो है ये बंद हो चुका है, तो ये भी आपको मैनुअल नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं इसका डिस्प्ले कितनी बड़ी आपको दी गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनबिल्ट आपको जो है नेविगेशन आपको देखने को मिल जाता है इसमें, और FM वगैरह और भी आपको कुछ कुछ यहाँ पे उसके नीचे जो है आपको इंफोटेनमेंट के ही कंट्रोल देखने को मिल जाती है। तो ये था हमारा इंटीरियर का लुक। अब हम चलिए चलते हैं इसकी रियर सीट को चेक कर लेते हैं। ये रहा सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रियर सीट की, डोर में आपको क्या क्या आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि पावर विंडो का कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और सिल्वर फिनिश के साथ, और पूरा डोर जो है आपको डुअल टोन कलर के साथ देखने को मिलेगा। नीचे में वाटर बॉटल होल्डर और स्पीकर के साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लग रही है एक चीज़, कि इसमें जो है आपको सनसेट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ब्लैक शीशा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम ये तो आपको मिल जा रहा है सेफ्टी पर्पस आप कह सकते हैं। और इसके अगर हम सीट की बात करें तो पीछे भी आपको फैब्रिक सीट आपको ऑफर कर दिया गया है, सीट बेल्ट वगैरह, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर में जो है रूफ में यहाँ पे हैंडल वगैरह देखने को मिलेगा, और पीछे में भी आपको रियर AC वेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है मोबाइल रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे दिया गया है, और चार्जर वगैरह। और लेगरूम की अगर हम बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि कितना आपको लेगरूम इसमें आपको ऑफर किए गए। ड्राइवर साइड जो सीट है वो मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आया था, फिर भी जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको लेगरूम देखने को मिल जाता है, और हेडरूम भी कुछ इस तरीके का आपको लुक वाइज देखने को मिल जाता है। हेडरूम भी ठीक ठाक अच्छा आपको लेगरूम मिल रहा है इस गाड़ी में। फ्रेंड्स ये थी क्रेटा का इंटीरियर एक्सटीरियर का व्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसकी माइलेज वगैरह की। तो माइलेज इसमें जो आपको कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में वो 17 से 21 के बीच में आपको क्लेम करती है। तो गाड़ी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, और इसका माइलेज वगैरह आपको कैसा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए इसका माइलेज वगैरह सही है या फिर और भी इंक्रीज होना चाहिए इस सेगमेंट में गाड़ी में। और इसके जो कंपटीटर है इस सेगमेंट के, तो उसमें क्या क्या आपको कंपेरिजन, मतलब क्या क्या चीज़ उसमें आपको मिल रहा है और क्या चीज़ इसमें नहीं मिल रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।